हाय फ्रेंड्स, मैं अविनाश नंदन शर्मा टॉफी टॉन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा क्रॉस एग्जामिनेशन पार्ट टू की। जी दोस्तों, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत जो गवाही की प्रक्रिया चलती है वो क्रिमिनल और सिविल दोनों ही केसेस में सेम एक्ट एप्लीकेबल है। इन दोनों ही मामलों में यही एविडेंस एक्ट की कार्रवाई होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो सिविल और क्रिमिनल दोनों ही एस्पेक्ट से मैं डील करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको बताऊं, 138 जो एविडेंस एक्ट का सेक्शन है वो कहता है कि एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन और फर्दर एग्जामिनेशन की प्रक्रिया चलेगी। तो दोस्तों, यही वो सेक्शन है जिसके तहत एक वैलेबल राइट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इट्स क्रॉस एग्जामिनेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैलेबल राइट है एक्यूज्ड के पास, आरोपी के पास या सिविल केस में दूसरी पार्टी के पास जो केस को डिफेंड कर रहा होता है। तो दोस्तों, 138 सेक्शन एविडेंस एक्ट के तहत मैं आपको क्लियर करूं कि एग्जामिनेशन इन चीफ क्या है। अगर जो बंदा केस फाइल करता है या अगर क्रिमिनल केस है तो जिसकी कंप्लेंट पे वो केस फाइल हुआ, जिसके साथ ये घटना घटी, जो विक्टिम है, जिसने ये केस दर्ज कराई है, वो पर्सन का जो गवाह है अगर वो हाजिर होगा कोर्ट में, तो ज्यादातर चार्जशीट फाइल होती है क्रिमिनल केसेस में। कुछ कंप्लेंट केसेस होते हैं जिसमें चार्जशीट नहीं, सिर्फ कंप्लेंट फाइल होती है और लिस्ट ऑफ विटनेसेस लगाई जाती हैं। तो दोस्तों, जो कंप्लेनेंट है, जो विक्टिम है, जो प्रोसिक्यूशन है, उनकी तरफ से जो विटनेसेस आते हैं उनकी गवाही होती है, वो अपने बयान देते हैं। दोस्तों, इसे ही कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। जो घटना घटी और जिस चीज को उसने देखा है या सुना है, उन चीजों को वो कोर्ट में हाजिर होता है, अपने नाम, अपने पता, अपने फादर का नाम बताने के बाद उसके बयान शुरू होते हैं कि मैं यहां जा रहा था, इस वक्त मैं इतना टाइम था इस जगह पे था और मैंने देखा कि इन दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही थी, मैंने 100 नंबर कॉल करा, पुलिस आई। तो इस तरीके से उस पर्सन का जो रोल है, उस पर्सन ने जो देखा सुना, उसके बयान ही एग्जामिनेशन इन चीफ है। कोर्ट में एज इट इज वो आकर बयान देगा दोस्तों। और उसी एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद, ये सिविल केस में भी अगर आप केस फाइल कर रहे हो तो आपकी तरफ से जो विटनेस खड़ा होगा वो भी एग्जामिनेशन इन चीफ करेगा, लेकिन वो ओरल नहीं होता। सिविल केस में उसका जो एग्जामिनेशन इन चीफ है वो एविडेंस के तहत होता है, बाय वे ऑफ एफिडेविट। तो एफिडेविट पे अपनी पूरी कहानी वो नोट कर लेता है। वो ओथ कमिश्नर, कोर्ट का, कोर्ट में एक पर्सन अपॉइंटेड होते हैं, वो उसे अटेस्ट करते हैं और वही कॉपी कोर्ट में फाइल कर दी जाती है और वही जो एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट है वही एग्जामिनेशन इन चीफ है। लोग समझ नहीं पाते दोस्तों, क्लैरिटी नहीं है। मैं कानून की इन जानकारियों को आसान शब्दों में, आसान समझ के साथ आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो सिविल केस में एग्जामिनेशन इन चीफ, एफिडेविट मतलब लिखित में कागज बना करके एफिडेविट आप कोर्ट को फाइल कर देते हो, दूसरी पार्टी को वो कॉपी दे दी जाती है, वो पार्टी फिर आपको अगली डेट पे उस उन चीजों को पढ़ने के बाद, आपके बयान को देखने के बाद आपका क्रॉस करेगी। वहीं क्रिमिनल केस में वो विटनेस कोर्ट में हाजिर होता है, हाजिर होने के बाद वो अपने बयान देगा। उसके बयान लिखित में एफिडेविट पे जैसे सिविल मैटर में जाते हैं वैसे क्रिमिनल केस में नहीं जाएंगे दोस्तों। वो अपने बयान कराएगा, बयान कराने के बाद इन दोनों ही ये सिचुएशंस हैं जहां चीफ कंप्लीट हो गई सिविल में और क्रिमिनल में। अब दोनों ही स्थिति में जो क्रॉस होना है वो वर्बल ही होगा। दोनों से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो वकील खड़े होंगे वहां, कोर्ट कहती है आप इनका क्रॉस एग्जामिनेशन करो। सो व्हाट इज क्रॉस एग्जामिनेशन? आपको क्वेश्चन पूछना है उससे कि भाई क्या था, कैसे था, कब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो कब, उनकी डेथ कब हुई वगैरह वगैरह, वो सिविल हो या क्रिमिनल हो।
इसे कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। तो आपने क्रॉस खत्म कर दिए दोस्तों, क्रॉस के बाद कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं जो दूसरी पार्टी को अगर ये लगता है, मतलब जिसके एग्जामिनेशन इन चीफ हुए हैं उनका वकील री एग्जामिनेशन की परमिशन कोर्ट से ले सकता है। कुछ उन बिंदुओं पर, कुछ उन पॉइंट्स पर जिन पे क्रॉस पूछे गए लेकिन एग्जामिनेशन इन चीफ में वो चीजें क्लियर नहीं आई थी, तो भाई उस क्रॉस से रिलेटेड मैं कुछ एग्जामिनेशन इन चीफ के तहत, री एग्जामिनेशन के तहत उन चीजों को फिर से क्लियर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता हूं। ये है री एग्जामिनेशन। अगर री एग्जामिनेशन के बाद क्रॉस करने वाली पार्टी, उनके वकील को ये लगता है कि भाई आपने जिन बिंदुओं को रखा है उस पे मैं क्रॉस करना चाहता हूं, तो ये जो सेकंड क्रॉस होगा, फर्दर क्रॉस जिसे कहते हैं, ये कन्फाइंड होगा उन तथ्यों तक जहां री एग्जामिनेशन किया गया है। इस तरीके से दोस्तों ये कंप्लीट प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसी की लड़ाई कोर्ट में फाइनल आर्गुमेंट के वक्त एक एक शब्द जो क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ, री एग्जामिनेशन, फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, इन सभी क्वेश्चंस आंसर्स, उनके जवाब के एक एक शब्द जिंदा हो जाते हैं दोस्तों। एक एक वर्ड की लड़ाई फाइनल आर्गुमेंट पे होती है। अगर फाइनल आर्गुमेंट के बाद भी केस अगर कोई बंदा हारता है, कोई अपील में ऊपर पार्टी दूसरे कोर्ट में, अपलेट कोर्ट में जाती है, तो अपलेट कोर्ट भी इन्हीं चीजों को देखती है, इन्हीं चीजों पे बहस होती है, वहां कोई नई चीजें नहीं आएंगी। तो दोस्तों इस ये बताने का, इस फैक्ट्स और इस वीडियो में ये मामला बताने की जरूरत इसलिए आती है कि क्रॉस एग्जामिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है, केस के फाइनल आर्गुमेंट में ही नहीं, इसके अपील में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी इन्हीं शब्दों, इन्हीं क्वेश्चंस, इन्हीं आंसर्स पे बहस होगी। सो दोस्तों ये बेस है केस का, ये फाउंडेशन है। आप अगर कोई घर बनाते हो, बिल्डिंग बनाते हो, तो जमीन जो जैसे आप तैयार करते हो, उसके बेस को तैयार करते हो, वैसे ही ये केस का बेस है। तो मैं आपको बता दूं एक कदम आगे बढ़कर कि लीडिंग क्वेश्चंस, पहली बात, व्हाट इज लीडिंग क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चंस जो लीड कर रहे हैं, जो आपको निर्देशित कर रहे हैं कि अब फॉर एग्जांपल मैं अपने विटनेस को खड़ा करता हूं और उससे ये कहता हूं कि भाई आप 17 जुलाई 2019 को कोर्ट में आप गए थे या आप दिल्ली पहुंचे थे, आप एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से आप 5-स्टार होटल में रुके और सुबह उठकर आपने किससे मिलने की कोशिश की। तो दोस्तों ये है लीडिंग क्वेश्चन, मतलब मैं लीड कर रहा हूं कि आप इतने तारीख को दिल्ली पहुंचे, इस 5-स्टार होटल में रुके, मतलब जरूरत यह है कि मैं पूछूं कि आप इतने तारीख को कहीं गए थे या दिल्ली गए थे, कहां गए थे। तो मैं एक तरीके से अपने विटनेस को लीड कर रहा हूं, उसको निर्देशित कर रहा हूं। पूछना है कि भाई उस दिन आप होटल में किससे मिलने गए, तो मैंने उसको एक पूरी जानकारी दे दी कि ऐसे ऐसे, ये काम नहीं हो सकता। कहां, तो एग्जामिनेशन इन चीफ में आप अगर किसी विटनेस को अपने साइड से लाते हो तो आप लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। आप ये नहीं कह सकते कि 15 तारीख को आपके घर में आपकी वाइफ के साथ लड़ाई झगड़े होने के बाद जब पड़ोसी आए तो उन्होंने क्या समझाया। पहले अब ये लीडिंग क्वेश्चन है कि भाई इसका मतलब है कि आप कंफर्म कर रहे हो कि इतने तारीख को लड़ाई की कहानी घर में हुई है और पड़ोसी आया है और पड़ोसी ने क्या कहा, वहां आप पहले ही पहुंच गए। तो दोस्तों ऐसे लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते, और अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो यही फिल्मी कहानी शुरू होती है जो आप कोर्ट फिल्मों में देखते हो। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, वही दूसरा वकील कहता है ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ही इज आस्किंग अ लीडिंग क्वेश्चन, ही इज पुटिंग अ लीडिंग क्वेश्चन, ये लीड कर रहे हैं। इनको सीधे सीधे अपने क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि भाई आपके घर कोई लड़ाई झगड़ा कभी हुआ, क्या वाइफ के साथ कोई बात हुई, क्या कभी आपके फैमिली मैटर्स में किसी ने इंटर
वीन किया, कोई पड़ोसी कभी आया, इस तरीके से लीडिंग क्वेश्चंस तभी पूछे जा सकते हैं जब वो एक्सेप्टेड हो, वो बातें पहले से फैक्ट्स में एडमिटेड हो, दूसरी पार्टी को भी उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है क्योंकि ये एडमिटेड फैक्ट है कि ऐसी ऐसी बात हुई है, तो वहां ये पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ये है लीडिंग क्वेश्चन। मैंने बहुत ही क्लियर शब्दों में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी को। अब मैं बात करूं कि लीडिंग क्वेश्चंस बिल्कुल सेक्शन बहुत ही छोटा सा ये एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट, उसके प्रावधान उसके सेक्शन कहते हैं कि लीडिंग क्वेश्चंस क्रॉस एग्जामिनेशन में, मतलब दूसरी पार्टी लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सकती है, दे आर फ्री टू आस्क इवन लीडिंग क्वेश्चंस। जो चीफ में नहीं पूछा जा सकता वो क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। आप कह सकते हो कि इतने तारीख को आप मुंबई गए थे, मुंबई पहुंचने के बाद, सुबह उठने के बाद आप सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे और मॉर्निंग वॉक में कौन मिला आपसे, ये लीडिंग क्वेश्चन है। ली उसे निर्देशित करते हुए बहुत सी बातें तो आपने खुद कह दी, तो आप ये क्रॉस एग्जामिनेशन में कर सकते हो दोस्तों। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है रिलीवेंसी। क्रॉस एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन इन चीफ में पूछी गई बातों के तहत ही आपको नहीं रहना है, आप कुछ भी पूछ सकते हो, एनीथिंग, उसके पास्ट के बारे में, उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में, वो अपराधी है, वो कहां जाता है, वो इनकम टैक्स फाइल करता है नहीं करता, उसके क्या काम है, उसका प्रोफेशन क्या है, उसकी जिंदगी कितनी, मतलब कैसे चल रही है, कितने पैसे अर्न करता है, आप क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछ सकते हो, लेकिन शर्त एक है कि वो कहीं ना कहीं से आपके केस से रिलेटेड हो। जो फैक्ट जिस पे केस सुनवाई चल रही है, आप अगर कोर्ट को ये कन्विंस करते हो कि नहीं ये मामला, अगर उसके आंसर आएंगे तो हमारे इस केस में सहूलियत होगी, हमारी परिस्थिति को समझने में सहूलियत होगी, इस केस की सच्चाई को समझने में सहूलियत होगी, या फिर आप ये प्रूफ कर पाओगे कि ये झूठा बंदा है, ये इसका समाज में स्टेटस ये नहीं है, वगैरह वगैरह। सो रिलीवेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ऑनरेबल जज जो यही देखते हैं कि आप रिलीवेंट हो तो सही है, वो कभी कभी खुद आपसे भी बात कर सकते हैं। 145 की मैं बात कर लूं, सेक्शन 145, बहुत ही शॉर्ट में कंक्लूड करूंगा इस पार्ट को ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट क्रॉस एविडेंस पे बना सकूं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि 145 ये कहता है कि अगर कोई बंदा कोई भी बयान पहले देता है किसी अथॉरिटी के, गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास कोई भी बयान देता है, तो वो बयान कोर्ट में उसको कंट्राडिक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 161 के तहत पुलिस एक बयान लिखती है किसी केस में, विटनेस के बयान लिख लेती है कि मैंने ये देखा, मैंने ये सुना, मैंने ये करा। अब 161 के उस बयान को आप उस बंदे को दिखा सकते हो कि ये 161 का बयान है, आपने इसमें ये बोला हुआ है, तो अगर उसने किसी और केस में, सपोज उस बंदे का केस किसी और कोर्ट में भी चल रहा है, वहां उसने कुछ और बोला हुआ है, कुछ अलग बयान दिए हुए हैं, तो उस केस की रिकॉर्ड, उस केस के डॉक्यूमेंट्स आप निकाल सकते हो, और यहां वो कुछ और बोल रहा है तो बाद में फिर उसे ये दिखा सकते हो कि आपने इस कोर्ट में इस पॉइंट पे ये बोला हुआ है कि आप दिल्ली में थे इतने तारीख को इतने बजे, और इस केस में आपने बोला हुआ है कि आप मुंबई में एक सेमिनार में स्पीच दे रहे थे। तो दूसरे कोर्ट के रिकॉर्ड्स भी आप ला सकते हो, कहीं डीसीपी, एसीपी या पुलिस के सामने या किसी के सामने अथॉरिटी, जो लीगल और गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, अगर वो कहीं किसी ने उसने बयान दिए हैं, उस बयान से उस विटनेस को कंट्राडिक्ट किया जा सकता है। इसे बोलते हैं कंट्राडिक्शन। जी दोस्तों, मिस उसके अब मैं आपको बताऊं कि ये काम है दूसरी पार्टी यानी क्रॉस एग्जामिनेशन करने वाले वकील की, कंट्राडिक्ट करना, और जो उनके वकील हैं, जो विटनेस है या जो कंप्लेनेंट है तो या विक्टिम है, तो उनके वकील का काम है कि जिन बातों को पुलिस ने जो बयान लिखे हैं या जो कंप्लेंट में लिखा गया है, जो गवाही में पीछे की किसी और की गवाही में जो बातें आई हैं, वो सारी बातें एक जैसी हों, वही बातें वो विटनेस वहां
अपनी बात को रखने में उन्हीं चीजों को उन्हीं तथ्यों को बताए, ये नहीं कि वहां वो नई बातें कह दे, इससे उसको मिसमैच नहीं करना है और दूसरी पार्टी को उसके बयान को मिसमैच करना है कि आप यहां ये बोल रहे हो आप यहां कुछ और कह रहे हो। इस तरीके से अब एक लास्ट कंक्लूड कर दूं कि अगर विटनेस खड़ा होता है और वो भाई 5 साल के बाद या 3 साल के बाद उसे गवाही के लिए सम्मन देकर कोर्ट बुलाती है, घटना काफी पहले की है, 4 साल पहले की है, उसे कैसे बात याद आएगी कि उसे क्या कहना है कोर्ट में? भाई घटना तो 5 साल पहले घटी थी, वो जा रहा था, गवाह बन गया। तो इसे बोलते हैं रिफ्रेशिंग मेमोरी। ये एक सेक्शन है आईपी, अगेन एविडेंस एक्ट, बहुत छोटा सा एक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। उसमें ये प्रावधान है कि आप अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकते हो, मतलब कोर्ट की फाइल आपको मिल जाएगी। कोर्ट में एक पुलिस वाला रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसे नायब कोर्ट कहते हैं, उसे आप बोलोगे या जज को भी कह सकते हो कि मैं मुझे अपने बयान अपने जो चीजें मैंने बोली हुई हैं उसको मैं पढ़ना चाहता हूं। ये आपका राइट है, ये नहीं कि भाई अब मैं भूल गया अब मैं क्या बोलूंगा, जज को कैसे बोलूंगा कि मैं भूल गया। आप बोलोगे सर हर इंसान एक आदमी है, ये प्रोविजन इसलिए बनाया गया है, आप अपने एज ए राइट आप कहोगे कि मैं एक बार देखना चाहता हूं अपने बयान को। बहुत से वो जो पुलिस का बंदा वहां रिप्रेजेंटेटिव होता है वो फाइल दे देता है, आपके बयान को निकाल कर दे देता है, आपने पुलिस को क्या बोला था 164 में के बयान हुए थे जज के सामने उसकी कॉपी भी दे दी जाती है। इस तरीके से आप अपने पीछे के बयान को देख सकते हो कि क्या बोला था, और फिर आप कोर्ट में आपकी फाइल वापस कोर्ट की फाइल ले ली जाएगी, अब आपको फिर से खड़े हो जाना है और अपनी बातों को कहना है। आप इसको बोलते हैं रिफ्रेशिंग मेमोरी, अपनी मेमोरी को फिर से रिफ्रेश कर सकते हो कोर्ट की फाइल देखकर, अपने प्रीवियस बयान देखकर। दूसरी पार्टी, चूंकि आप अगर उस बयान से अलग कुछ बोलोगे तो दूसरी पार्टी उस बयान को दिखाकर आपको कंट्राडिक्ट करेगी, आपको विवाद में लाएगी, आपको झूठा साबित करेगी, आपने पुलिस के आगे गलत बयान दिए थे, ये बयान दिया था, यहां ये कह रहे हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आप हमारे इस वीडियो को पसंद करेंगे, हमारे चैनल को लाइक करेंगे और हमें सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों मैं लगातार क्रॉस एग्जामिनेशन पे अभी इस पे बहुत सी वीडियो बना लूं फिर भी बहुत कम है, तो हमारी क्रॉस एग्जामिनेशन की सीरीज कंटिन्यू रहेगी। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए बाय बाय, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।